अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वेस अज़ा और आप देख रहे हैं मनु सलवा फूड। आज हम आपसे शेयर करेंगे कमर्शियल रेसिपी चिकन कॉर्न सूप की। बहुत ही मजेदार तैयार होगी और इसे हम घर में तैयार करेंगे। चलें इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। ये हमने भुट्टे ले लिए थे और इन्हें हमने बॉयल कर लिया, और ये चिली सॉस सोया सॉस हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन ये हमारा अपना बना हुआ है, हम इस्तेमाल ये करेंगे, और जब हम सूप के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इनमें से इस्तेमाल करेंगे। मुर्गी हमने ले ली थी, देखें आप अपने मुताबिक मुर्गी ले सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है मुर्गी लेने में, जितनी भी आप मुर्गी लेना चाहें आप मुर्गी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आधा किलो मुर्गी ली है। पानी देखें हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया, आपको जितना चाहिए उतना पानी इसमें रख सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखें ये भर के एक चम्मच अजीनोमोटो डालेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे एक और ये डेढ़ चम्मच नमक डालेंगे, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी ये आधा किलो मुर्गी। ये देखिए माशाल्लाह मुर्गी इसके अंदर हमने डाल दी है। इसका जो झाग आएगा ना वो चाय की छन्नी की मदद से हटा लेंगे हम, और अभी से तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर। जी हाँ, ये रेसिपी की जान है, और ये नहीं डलेगा तो समझ लें इतना मजेदार और इतना टेस्टफुल तैयार नहीं होगा। जैसे माशाल्लाह पूरा चिकन पाउडर का पैकेट हमने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा पानी ले लिया था उसके अंदर, अब हम घोल लेंगे, देखे मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स बनते हैं वो ना बने। ये देखे माशाल्लाह हल हो चुका है, इसको भी हम चिकन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, यकीन माने ऐसा जबरदस्त टेस्ट आएगा। और रेसिपी को हमारी फुल वॉच किया करें और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, और दोस्त अहबाबों को शेयर कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगे तो। चलें अब इसे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी मुर्गी अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें माशाल्लाह इसको 25 मिनट हो गए हैं और हमारी मुर्गी गल चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे एक किसी प्लेट में और इसके रेशे कर लेंगे। ये देखें एक गिलास हमने पानी ले लिया, इसके अंदर मैं डालूंगा कॉर्नफ्लोर 15 चम्मच, ये देखें माशाल्लाह 15 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया। अब इसे मैं हल कर लूंगा, कॉर्नफ्लोर मैंने घोल लिया, अब इसके हम अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लूंगा, जरूरत होगी तो और डालूंगा, और इसे हम बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। मोटी मोटी गुटलियां बन जाती हैं, इससे गुटलियां नहीं बनेंगी। ये देखें कॉर्नफ्लोर कम है, इसके अंदर मैं और शामिल करूंगा क्योंकि मेरा सूप ये ज्यादा है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह 15 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाले हैं, और ये इसकी थिकनेस बिल्कुल सही है। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो उसी के हिसाब से इसको आप गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा फेंट के। ये देखें एक अंडा तोड़ लिया है, अब इसे फेंट लेंगे हम। चुका है, अब इसको मैं डाल दूंगा इसी के अंदर, और इसे आप इसके मोटे मोटे रेशे चाहिए हो तो आप बीटर का कम इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हमें बारीक बारीक चाहिए। मैं इसको तेज़ी से बीट करूँगा ताकि इसके बारीक बारीक रेशे हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह हो गया है ये। अब इसके अंदर मैं डालूँगा सोया सॉस। ये देखें ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना सूप काला हो जाएगा, 2 चम्मच डालूँगा। इसके अंदर डालूँगा सिरका तकरीबन डलेगा इसके अंदर 2 चम्मच। इसके अंदर डलेगा चिली सॉस, ये भी ज़्यादा नहीं डलेगा, 2 चम्मच डलेगा, क्योंकि ये फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट वाइट नहीं रहेगा।
इसे बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलर भी इसका अच्छा आया, ज़्यादा डालता तो ये काला हो जाता। ये देखिए माशाल्लाह सारी चीज़ें मिक्स अच्छी तरीके से कर ली है। अब इसके अंदर डाल दूंगा कॉर्न, ये देखिए अब इसे मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह इसको मिक्स कर लिया है, कॉर्न को इसी के अंदर पकने देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह चिकन का रेशन कर लिया, अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह डिश आउट हो चुका है हमारा चिकन कॉर्न सूप। अब इसके ऊपर हम ये डालेंगे थोड़ी सी चिकन। इसके ऊपर हम थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे, हल्की सी स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें ये चिली सॉस हमने तैयार किया हुआ था, सिरका डाला था इसमें, लाल मिर्चें डाली थी और नमक डाला था और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे एक अंडा इसमें रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह ना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके ऊपर हम ये डाल देंगे थोड़ा सा सिरके के अंदर हमने ये हरी मिर्चें रखी हुई थी, इसको तकरीबन 3 से 4 दिन हो गया, ये इसमें डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है ये, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन सूप कैसा ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अगर मेरी आपको ये चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।